यमन के हुती अब जंग में हिजबुल्ला के साथ उतर गए हैं। पिछले कई दिनों से लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर जबरदस्त इजरायली हमले के बाद यमन के हुतियों ने फिर मध्य इसराइल पर मिसाइल हमला किया है। हालांकि इसराइल ने यमन से दागी गई इस मिसाइल को मार गिराया। हमले के बाद देश के समूचे मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। इसराइल की सेना ने यह जानकारी दी। इसराइल के तटीय शहर तेल अवीव सहित घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनी गई। करीब दो सप्ताह पहले यमन की ओर से एक और मिसाइल मध्य इसराइल में दागी गई थी। इसने करीब 9 मिनट में ये दूरी तय की थी। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा ने खुद इस मामले के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पहले ऑपरेशन में यमनी सशस्त्र बलों ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 के साथ तेल अवीव में इसराइल के कब्जे से संबंधित एक सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया। दूसरे ऑपरेशन में याफा ड्रोन का उपयोग करके कब्जे वाले अस्कलान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल सारी ने पुष्टि की कि तेल अवीव और अस्कलान को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन सफल रहे। उन्होंने इसे फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष की जीत और पांचवें चरण के संदर्भ में फिलिस्तीनी और लेबनानी प्रतिरोध के दोनों के लिए समर्थन का प्रदर्शन घोषित किया। वहीं ये ताज़ा हमला ऐसे समय में हुआ है जब यमन के हुतियों ने गाजा में चल रही जंग के बीच एक और मोर्चा खोलकर इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। इस हमले के दौरान मिसाइलों का मलबा गिरने से सीधे तौर पर किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि इजरायली मीडिया ने बताया कि भगदड़ के दौरान सड़क के किनारे खड़ी एक कार की चपेट में आने से 17 वर्षीय लड़की मामूली रूप से घायल हो गई। शरण स्थलों की ओर भागते समय कम से कम 17 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक हुती सरगना ने कहा कि यह हमला गुरुवार को इजरायली हवाई हमले के प्रतिशोध में किया गया था, जिसमें वरिष्ठ हिजबुल्ला नेता मोहम्मद सरूर की मौत हो गई थी। यमन की सरकारी समाचार एजेंसी सबा के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि यह हमला सरूर की हत्या के प्रतिशोध में किया गया था। वहीं इसराइल में सायरन बजने से कुछ समय पहले ही हिजबुल्ला ने सरूर की मौत की पुष्टि की थी। इजरायली अखबार ने हिजबुल्ला के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि वह यमन में हिजबुल्ला द्वारा भेजे गए कई शीर्ष सलाहकारों में से एक थे, जो हूतियों को प्रशिक्षित करने के लिए भेजे गए थे, जिन्हें ईरान का भी समर्थन हासिल है। लेबनानी समूह और इसराइल के बीच सीमा पार से गोलीबारी तेज होने के साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने गुरुवार को पहले एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि ईरान समर्थित समूह लेबनान और हिजबुल्ला का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। बता दें कि नवंबर से हूतियों ने ड्रोन और मिसाइलों से लाल सागर के शिपिंग को निशाना बनाया है। ईरान के प्रतिरोध की धुरी के प्रमुख विंगों में से एक हूतियों ने हमास के साथ अक्टूबर के हमले से शुरू हुए युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इसराइल के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। गाजा में एक साल तक चले सैन्य अभियान के बाद इस महीने इसराइल ने कहा कि वह अपनी सेना का ध्यान हमास के सहयोगी और एक अन्य ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्ला पर केंद्रित कर रहा है, जो गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइली सेना से भिड़ गया है। जैसे जैसे गाजा में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, इसराइल कई मोर्चों पर जंग का सामना कर रहा है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्ला के बढ़ते खतरे और यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा मिसाइल हमले शामिल हैं।